इट्स टाइम फॉर अनदर एडवेंचर, और इस बार एक प्रॉपर बड़ा एडवेंचर है ये। दिस टाइम आई एम गोइंग टू इंडिया फॉर अ मंथ एंड इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। घर तो है ही, बट इस बार कितना कुछ करना है वहाँ पे, इतने सारे लोगों से मिलना है। होपफुली परफॉर्मेंसेस होंगी, होपफुली परफॉर्मेंसेस देखने जाऊँगा दूसरे लोगों की। लेट्स सी कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ फीजिबल है, बिकॉज टाइम बहुत कम है और इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। आई नो इट। मैं अभी से यहाँ बैठे बैठे बोल सकता हूँ, मेरी कैब आने वाली है आधे घंटे में एंड फ्लाइट है अभी से 4 घंटे में। आई एम ऑल सेट। दुनिया में जब आया कैसा दिन था वो, जाने कहां से आया किससे मैं पूछूं। ऐसे ना देखो मुझको, पागल थोड़ा हूँ पर दिल मेरा अभी भी धड़के ये जब भी गाता है अपने लिए, अकेला ये पर जो है आएगी फ्लाई ओवर चढ़ना हो तो उसके सर्विस लेन में लेना। फिर नमस्ते बोलो। कालू सर है, कालू सर है। नमस्ते। हम बता रहे ना आपको आईआईटी फ्लाई ओवर के पास में। नमस्ते। कौन है भाई? कोई नहीं। वीडियो वीडियो बोल बे। नमस्कार। पैर छू। बैठक। और नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे भाई पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ दी? पढ़ती हूँ अभी तो। नहीं था आपने मुझे, वहां तो बिस्तर है, सो रही थी वहां। ऐसे करो तो टेबल भी है इस बेचारी के लिए। कोई अल्टरनेट करियर ऑप्शंस बताओ। I need it. आप बिलीव हो रहा है, आप आ गए हो। फाइनली इंट्रोड्यूस करते अपने आप को। सोमांच सुई आके रुकी सोमांच तक उसकी मेरी बोली रोमांचक। क्या बात, क्या एक नगेट्स का डब्बा दियो। एक सेकंड भाई यार, ये सॉस खोल रहा हूं। सौ भक्त कर ले तू जेबे भरे धर्म तक, फिर जीवित कर रख तब क्यों बोली बाजार में तेरा घर छीने अब हाँ योगी सरकार क्यों। सो आवर मच अवेटेड ट्रिप टू मध्य प्रदेश, हम लोग अभी जा रहे हैं इंदौर, वहाँ से जाएंगे बुरहानपुर और इंदौर के इन एंड अराउंड हाँ महेश्वर जाने। इंदौर में आपका स्वागत है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। शाश्वत माय कजिन से हेलो। हेलो हेलो। शाश्वत मुझे बता रहा था फर्स्ट टाइम हम एक्टिवा पे बैठ के आए थे सारा सामान लटका के, आज भाई मुझे गाड़ी में छोड़ रहा है। सब बड़े हो गए। कैसा लग रहा है बड़े हो गए? अच्छा लग रहा है। ये लोग ये चुप।
तो ये हमारा इंदौर वाला घर है। जब हम फाइनली दिल्ली से मूव होंगे फ्यूचर में फैमिली, तब हम यहीं आके रहने का सोच रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वी आर ऑन रूट महेश्वर, जो यहाँ से एक घंटा दूर है। एक घंटा है तो हम लोग महेश्वर पहुँच गए। वी आर स्टेइंग एट दिस ब्यूटीफुल नर्मदा रिट्रीट जो मेरे पीछे है। हम लोग यहाँ कल ही आ गए थे एंड सुबह भी यू नो वी वर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, बट मैं इतना थका हुआ था मैंने कुछ व्लॉग बनाया ही नहीं। बट अभी फाइनली यू नो वी आर आउट अगेन एक्सप्लोरिंग, दिस इज द रिवर। वापस जाएंगे ड्राइव करके और फिर कल ओमकारेश्वर जाएंगे एंड देन वहाँ से बुरहानपुर। सो द ट्रिप इज जस्ट स्टार्टिंग, अभी इतना कुछ करना है। ये प्रशांत होटल है जो कि इंदौर की बहुत पुरानी और फेमस रेस्टोरेंट है। इसे उसल पोहा कहते हैं और इसे सादा पोहा। सॉफ्ट तो है भाई, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हम 95 से 1999 तक रहते थे। और वीरू सबसे पहले यहाँ से वहाँ तक पैदल चल के भागा था। सब चलेंगे में नहीं हूँ और कोई नहीं। ये मेरी काकी, इससे तो आप मिल चुके हो। ये है शाशन। कैमरा नाम क्या है? गोप्रो। गोप्रो पहली बार ये गोप्रो से हम जो है वो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। और ये जिम वाला वेणु है। यार ये वेणु वो तो वेणु लग ही नहीं रहा यार जिसको हमने 3-4 साल पहले छोड़ा था यहाँ से। अच्छा। फिर घर जाके एडिट करता हूँ और फिर यूट्यूब पे डालता हूँ।
तो आप लोग देखना जब मैं डालूंगा। चलो यार बाय बाय। तो आज हम ओंकारेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वहाँ जा रहे हैं शाम की भव्य नर्मदा आरती। जो लोगों को एकदम शुद्ध हिंदी नहीं आती उनके लिए सब टाइटल्स डालने पड़ेंगे। बट यस दैट्स द प्लान, ओंकारेश्वर फिर वहाँ से कल बुरहानपुर। से उसी जगह फिर तुझको देख के मैंने है ये सोचा दिल में मेरे है ये मैं तुझको दूँ बता ले चल मुझे कहीं दूर ले चल मुझे नीचे मत करो। अच्छा अच्छा हाँ। Switch it off. Oh, mama.